आज हम धम्मपद का भाग 20 मग्गोग्गो पर चर्चा करेंगे। मग्गा नट्ठी को सेठो सच्चाना चतुरो पदा विरागो सेठो धम्माना द्विपदान चक्कुमा। मार्गों में अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है, धम्म में विराग श्रेष्ठ है और चक्षुमान श्रेष्ठ है। द्विपदानन चक्कुमा, जिसको चक्षु प्राप्त हो गए, चक्षु यानी आंतरिक इंद्रिय, बुद्धिमान जो हो गया, ज्ञानवान जो हो गया, वो चक्षुमान श्रेष्ठ है, मतलब चक्षु, ऐसा तथागत कह रहे। तो पहले ये समझ गया है कि मार्गों में अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है। मार्ग बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे मार्गों के बीच अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है। अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है, सत्य भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन सत्यों के अंदर में चार आर्य सत्य ये श्रेष्ठ है। धम्म में विराग श्रेष्ठ है, धम्म में विराग श्रेष्ठ है और चक्षुमान बुद्ध श्रेष्ठ है। बुद्ध यानी जो बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान जो व्यक्ति है, जिसको चक्षु प्राप्त हो गए, जिसकी चक्षु आंतरिक दृष्टिकोण जिसको प्राप्त हो गया, जो सही गलत को जानता है, जो बुद्धिमान बन चुका है और जिसकी प्रज्ञा विमुक्त हो चुकी है, जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, वो महाज्ञानवान बन चुका है, ऐसे ज्ञानवान आदमी चक्षुमान आदमी श्रेष्ठ है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। तो अष्टांग मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग ये दुख मुक्ति का मार्ग है। और चार आर्य सत्य क्या है? चार आर्य सत्य है, दुख है तो दुख का कारण है, ये दो आर्य सत्य हो गए। दुख का निवारण है तो दुख के निवारण का मार्ग है। मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। तो मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब राइट दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण? इंटरनल। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब सही प्रकार के संकल्प। सम्यक वाचा मतलब सही प्रकार की भाषा। सम्यक वाचा के बाद में आता है सम्यक आजीविका, सही प्रकार की आजीविका। फिर सम्यक कर्मांत, सही प्रकार के कर्मांत। फिर सम्यक व्यायाम, व्यायाम मतलब होता है कि गलत को छोड़ना, सही को ग्रहण करना, और जो गलत चीज़ें बॉडी के अंदर है उसको त्यागना और सही चीज़ें इंटरन में लेना। फिर गलत चीज़ों को आने से रोकना और जो आई हुई है उसको खत्म करना। तो अपने आप को शुद्धि करना सम्यक व्यायाम है। फिर उसके बाद आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति काय के प्रति? चित्त के प्रति स्मृति, वेदना के प्रति स्मृति, धम्म के प्रति स्मृति और काया के प्रति स्मृति। तो ये चारों के प्रति जब स्मृति बनती है, स्मृति मतलब होता है होश, अवेयरनेस। वेदना आई तो वेदना के प्रति स्मृति हो, चित्त अगर कहीं अनडिसिप्लिन जा रहा तो चित्त को डिसिप्लिन करना है, तो वेदना हो गई, चित्त हो गई, काय पे डिसिप्लिन रहना है, काय को जानकर उपयोग में लाना है, बेहोश में नहीं जाना है कि कहीं शराब पी के जा रहे, कर रहे, गिर रहे, नहीं, आपको काया पे भी ध्यान होना चाहिए। और धम्म, धम्म यानी नाप तोल के सही चीज़ लेना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ लगती है, जहाँ वो चीज़ का इस्तेमाल करना है। धम्म बहुत विख्यात है, बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो उसमें से जो चीज़ हमारे उपयोग में चाहिए वही लेना है। धम्म क्या है कि मान के चलो कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो इसमें धम्म कहाँ पर उपयोग होगा? मुझे अवेयरनेस होकर बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, नाप तोल के बोलना है। नाप तोल के बोलना कौन सिखा रहा? धम्म सिखा रहा। धम्म मतलब ऐसा है ना, नाप तोल के बोलना है, सोच के बोलना है ना, उद्देश्य पूर्वक बोलना है, बगैर उद्देश्य से नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आता है सम्यक समाधि। समाधि और सम्यक समाधि में अंतर है। समाधि यानी एकाग्रता होती है, कोई व्यक्ति एक चीज़ पे एकाग्र हो जाता है। जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति एकाग्र है किसी घर चोरी करने के लिए, वो भी एक समाधि है, वो कॉन्सेंट्रेट है, ताला तोड़ रहा है, अंदर घुस रहा है, माल चुरा के ले जा रहा है, उसको कोई नहीं चीज़ सूझ रही, उसको बस चोरी सूझ रही, तो वो एक समाधि है। लेकिन सम्यक समाधि क्या है? सम्यक समाधि सही और गलत की जानकारी देती है। सम्यक समाधि क्या करती है? गलत को छोड़ती है और सही को ग्रहण करवाती है। तो सम्यक समाधि किसके पास होगी? जिसके पास सम्यक दृष्टि होगी। जिसके पास सम्यक दृष्टि होगी तो इंट्रेंस कहाँ से शुरू हो गया? सम्यक दृष्टि से। तो सम्यक दृष्टि से इंट्रेंस शुरू हुआ तो वो सम्यक समाधि तक जाएगा। जिसके पास सम्यक दृष्टि नहीं है उसके पास सम्यक समाधि नहीं हो सकती। जिसने पहले ही मान लिया
कि दुनिया में आत्मा है, फिर परमात्मा है, फिर ईश्वर ने दुनिया बनाई है, फिर ब्रह्मांड ऐसा है न उस वो चला रहा, न ये है, न ये ज्योतिष है, न मतलब कुछ घुमा फिरा के उसको नहीं पता कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। आत्मा को दर्शन नहीं, परमात्मा के कोई दर्शन नहीं, ईश्वर के कोई दर्शन नहीं, लेकिन बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है। अब इंटरनल दृष्टि क्या है, वो मिथ्या दृष्टि हो गई। सम्यक दृष्टि क्या है, क्या आप परमात्मा के बारे में जानते हो, जानता है, आपने अनुभव किया है, क्या आपने नापा तोला है, जांचा है, फिर परमात्मा का आपका काम क्या है। अगर आपको सारी चीज़ों को पता है तो फिर ये सम्यक दृष्टि है। आपने आत्मा के बारे में जाना है, नहीं जाना है, जाना ही नहीं जाना है और किसी ने बता दिया, आपने ग्रहण कर लिया, तो ये क्या होगी, मिथ्या दृष्टि होगी। सम्यक दृष्टि का मतलब सही और गलत को जानकर, गलत को ग्रहण नहीं करना है, सही को ग्रहण करना है। सारे धम्म अनात्म है, तथागत कहते सारे धम्म अनात्म। ये व्यक्ति जब प्रज्ञापूर्वक आँख से देखता है, प्रज्ञापूर्वक आँख कब देखेगा वो, जब उसकी सम्यक दृष्टि होगी, प्रज्ञा वाली आँख होगी, तब वो देखेगा, तब वो धम्म में स्थित हो जाएगा, तब उसको चक्षु उत्पन्न होंगे, तब वो बुद्धिमान होगा, और वही बुद्धिमान व्यक्ति, वही सही व्यक्ति सम्यक समाधि को प्राप्त करेगा। तो सम्यक समाधि क्या करती है, हमको राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। जितने भी अच्छे शोध होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, सम्यक समाधि के कारण होते हैं। सम्यक समाधि ये व्यक्ति को एक उच्च लक्ष्य पर अपना फोकस साधने में कामयाब करती है, और जितने ही हमारे कर्म हैं वो सम्यक समाधि के अंदर जाके स्थिर होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए, कि बिल्डिंग बना रहा है, तो उसके सामने बिल्डिंग की पूरी पिक्चर रहेगी, उसका रंग कलर और सारी चीज़, तो ये हो गई उसकी सम्यक समाधि। और उसके लिए जो छोटे छोटे कार्य कर रहा है वो सम्यक उसकी दृष्टि है, फिर वाचा है, वाचा उपयोग कर रहा है, किसी को बुला रहा है, फिर उसके लिए कार्य कर रहा है, फिर उसके लिए लोगों को रोजगार दे रहा है, फिर उसमें से गलत को छाट रहा है, मतलब आप वहाँ पे लगा के देख सकते हो कि सारी चीज़, फिर कोई गिर नहीं जाए इसलिए वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला प्रबंध कर रहा है, तो सारी चीज़, और उस प्रकार से वो करके एक नई बिल्डिंग बना रहा है, उसको बढ़िया कलरफुल कर रहा है, और कलरफुल करने के बाद में वो बिल्डिंग को तैयार करके फिर हैंडओवर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है समाधि, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, लेकिन चढ़ने से पहले वो देख लेता है कि मैं वहाँ पे सुखरूप जा रहा हूँ, जाने के लिए सारे संसाधन तैयार करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखता है, प्रैक्टिस करता है, वो सारी चीज़ें करके वो उस पे चढ़ता है, और चढ़ के बाद में इस देश का झंडा लहराता है, और झंडा लहरा के वो वहाँ पहुँचता है, झंडा लहरा के वो लोगों को बताता है कि मैं पहुँच गया हूँ। तो पहुँचने से पहले उसने देख लिया था कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, ये है सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि कब सही रहेगी, जब सम्यक दृष्टि है, दृष्टि राइट हो तब सम्यक समाधि होती है। तो ये अष्टांग मार्ग और यही चार्य आर्य सत्य है। धम्म में राग है ना आसक्ति, आसक्ति से छुटकारा, ये धम्म के अंदर में श्रेष्ठ है, क्योंकि संसार के अंदर में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो आसक्त होने के कारण है। आज संसार में कोई चीज़ की कमी नहीं है, कमी लोगों के ब्रेन के अंदर में होती है। वो ये सोचते हैं कि हमारे पास में 100 क्विंटल अनाज है, वो 100 क्विंटल अनाज में हम खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे 4 महीने, मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं। उसके पास करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन कुछ देता ही नहीं, उसको लगता कि ख़त्म नहीं होना चाहिए, जबकि उसको ये मालूम है कि उसका शरीर 60 साल 70 साल 80 साल का हो गया, 2-4-10 साल जिएगा, उसका शरीर ही जाने वाला, तो जो शरीर ही जाने वाला तो धन संपत्ति किसकी है, तो उसका सही काम के लिए उपयोग करो। पद मिला है, लेकिन पद मिला है वो कायम ही ऐस अय्याशी में लगा, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, जन कल्याण के काम आ रहे वहाँ कर ही नहीं रहे, ये सही ऐसे में लगे हैं। तो आपको सत्कर्म करने के लिए कोई अच्छी चीज़ मिली है तो उसको कर नहीं रहे हो, दुष्कर्म कर रहे हो, तो वो काय के कारण कर रहे हैं, राग के कारण। काय के राग की लगता है कि मेरा पद नहीं छूट जाए, और पद भी छूटने वाला है, क्योंकि शरीर ही छूटने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा फोकस काय के ऊपर होना चाहिए, विराग के ऊपर। विराग मतलब आसक्ति को छोड़ना है, और आसक्ति को काय पे कंट्रोल करना है, आपको दानशील बनना है, दानशील बनना है, मैत्री वाला बनना है, और ऐसा बनना है कि आपके कारण इस संसार के अंदर में कुछ लोगों का जागरण हो, लोग सुखी हो, आप भी सुखी हो, संसार को आप सुखी करें, और आप उज्ज्वलता के मार्ग पे जाओ। तो धम्म में क्या श्रेष्ठ है, तथागत कह रहे विराग श्रेष्ठ है, जो राग को छोड़ता है, राग को जो छोड़ता है वो विराग श्रेष्ठ है, और चक्षुमान श्रेष्ठ है। चक्षुमान जिसको बुद्धि प्राप्त हो गई, जिसको वैसे चक्षु प्राप्त हुए, दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए, उस चक्षु के कारण वो कहीं प्राणी मात्र का कल्याण करता है, कहीं लोगों के लिए वो सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है, सही मार्ग प्रशस्त करता है, और लोगों को दुख के जंजाल से बाहर निकालता है, उनको एक जागरण का मार्ग देता है, उनको एक आनंद का मार्ग देता है, अच्छाई का मार्ग देता है। तो चक्षुमान कौन होता है, जो ज्ञानी है, ऐसे को बुद्ध कहते हैं, अरहंत कहते हैं,
अरहंत है, बुद्ध है, इस प्रकार के डिग्रीधारी जो व्यक्ति है कि जिन्होंने अपने आप को मैल से शुद्ध कर लिया है, सभी प्रकार से शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे चक्षुमान श्रेष्ठ है। ये सोवमग्ग नत्थो च दसनस्य विशुद्धिया यत ही तुम्हें पटिपच्चय मारसेस पमोहन। तथागत ये कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मार्ग है, दूसरा नहीं। भिक्षु हो तुम इसी रास्ते पर चलो, यह मार्ग को मूर्छित करने वाला है। उद्देश्य क्या है? मार्ग को मूर्छित करना है, मार्ग को बेहोश करना है। जो बुराई है उसके बल को ही खत्म करना है, क्यों? बुराई आपके ऊपर हावी रहेगी तो आप बुरा करोगे, लेकिन बुराई आपके अंदर हावी नहीं रहेगी, वो मूर्छित हो जाएगी, वो उसके अंदर जान ही नहीं रहेगी। जान कैसे? आप ही प्रदान करते हो जान। द्वेष अगर आपके अंदर है तो द्वेष को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आप ही प्रदान करते हो। क्रोध को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? आप ही ऊर्जा प्रदान करते हो। द्वेष है, मार है, अज्ञान को ऊर्जा कौन प्रदान करते है? आप ही करते हो। आप कहते हो मुझे सब मालूम है, तो ज्ञान को आने नहीं देते हो पास में, तो सब मालूम होने के कारण क्या है कि ज्ञान को आने नहीं देते हो, तो आप ऊर्जा प्रदान कर रहे हो अज्ञान को। बेहोशी को कौन आलस में पड़े, ठीक है देख लेंगे चलेगा हो गया, बेपरवाह हो, कोई परवाह नहीं किसी की, कोई कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है ना, तो ढीला ढाला हो बहुत। तो तथागत ये कह रहे हैं कि जो मार्ग की पोजीशन है उसको मूर्छित करने वाला ये मार्ग है, अज्ञान को खत्म करने वाला ये मार्ग है, ये मार्ग को मूर्छित करने वाला मार्ग है, और इसी रास्ते पर चलो, इसी रास्ते पर चलो, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक मार्ग है, दूसरा नहीं है। क्योंकि ये कैसे तथागत ने कहा, कि तथागत ने जानकर कहा, आगे तथागत ये कहते हैं, यत ही तुम्हें पटी सन्ना दुख संत कारी सत्त अखा तो वे मया मग्गो अज्याय साल संतन। इस मार्ग पर चलने से तुम दुख का अंत कर सकोगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दुख का अंत करना। ऑब्जेक्ट तथागत ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बात करते कि ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है दुख का अंत करना। संसार दुख को स्वय जानकर, स्वय शल्य समान जानकर, शल्य समान मतलब जो बाण लगता है बॉडी में और वो उससे जो वीजा होती है या उससे जो दुख होता है, उससे जो पीड़ा होती है, उस दुख को मैंने ऐसा जानकर मैंने यह मार्ग बताया। तथागत कह रहे हैं कि मैंने जाना इसको और जानकर यह मार्ग बताया। तुम्हें ही किच्च आतप अखातारो तथागता पटिपन्ना पमोक्षति झाइयो मारबंधना। कृत्य तो तुम्हें ही करना है, कार्य तुम्हें ही करना है, कर्म तुम्हें ही करना है। तथागत तो केवल मार्ग बतलाने वाले हैं, तथागत मार्ग बतलाने वाले हैं, कार्य तो तुमको ही करना है। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मारबंधन से मुक्त होंगे। ये जो मार्ग है इसके ऊपर चलने वाले, इस मार्ग के ऊपर अपने फोकस करने वाले, उसके अनुसार उस मार्ग के अनुसार कार्य करने वाले जो मतलब लोग होंगे जो इस मार्ग पर चलेंगे, वो मार के बंधन, मार का जो बंधन है, जो असत्य का बंधन है, जो बुराई का बंधन है, उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कौन? वो लोग कि जो इस मार्ग पर चलेंगे, ऐसे तथागत कह रहे। सभी संकारा अनिच्चाति सदा पच्चाय पश्यति। सभी संस्कार अनित्य है जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है। सभी संस्कार अनित्य, सभी जो संस्कार है ये अनित्य है। यदा पच्चाय पश्यति, वो कैसे देखता है? प्रज्ञा से देखता है, प्रज्ञा से देखता है। प्रज्ञा दो प्रकार का देखना होता है, एक तो केवल देखना होता है और होता है प्रज्ञा से देखना, विजडम से देखना, आंतरिक दृष्टिकोण से देखना। तो जब कोई आदमी आंतरिक दृष्टिकोण से देखता है तब उसको ये पता चलता है कि जो संस्कार है, संस्कार का मतलब है कि जो बुरी चीज़ें जो चित्त के अंदर स्टोर हो रही है वो क्या है? अनित्य है, वो परमानेंट नहीं है। चित्त का जो रूप है वो पूर्णता शुद्ध है, लेकिन बाहर से गलत चीज़ें जब उसके अंदर एंट्री होती है, ये चीज़ जब वो प्रज्ञा से देखता है तब क्या होता है? तब ये होता है कि अंत निबदंती दुखे यशमग्गो विशुद्धिया। उसे संसार से विराग प्राप्त होता है। विराग मतलब क्या होता है? राग, विराग, राग से, राग मतलब आसक्ति जो होती है वो संसार की आसक्ति खत्म हो जाती है, और आसक्ति खत्म होती है तब ये क्या है? ये विशुद्धि का मार्ग है, शुद्ध अपने को शुद्ध करने का एक मार्ग है, अपने आप को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में
ले जाने का मार्ग है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। सभ्य संस्कारा दुखाति यदा पज्जाय पस्सति, सभी संस्कार दुख है जब आदमी इस बात को प्रज्ञा से देखता है। सभी संस्कार होते हैं क्या होते हैं, दुख पैदा करते हैं। संस्कार कैसे बनते हैं, संस्कार बनते हैं अपने सोचने से, बोलने से, देखने से, फीलिंग करने से, ये सारे इंद्रियों के माध्यम से संस्कार बनते हैं। मन उसका आरंभ ही होता है, मन क्या करता है, मन आगे रहता है, सारी इंद्रियां उसके पीछे रहती है, उससे एक संस्कार बनता है। वो संस्कार क्या होता है, चित्त के अंदर स्टोर होता है। चित्त के अंदर स्टोर होने के कारण चित्त उस मार बंधन के अंदर जकड़ जाता है, और जकड़ने के कारण तड़पता है अच्छाई के रास्ते पे आने के लिए। जैसे कि मछली है पानी में रहने के लिए तड़पती है कि उसको पानी रहना चाहिए, उसको अगर निकाल के ज़मीन पे अगर ये किया जाए तो वो क्या होती, तड़पेगी मछली, काय के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए। ऐसा ही चित्त होता है, चित्त उस दुख से मुक्त होने के लिए तड़पता है। जब आपको आंतरिक रूप से तड़पन पैदा हो तो समझ जाओ कि आपके अंदर संस्कार बने हुए गलत चीज़ के, गलत चीज़ के जो संस्कार बने हैं उसको दूर करने, वो क्या होते, दुखदायी होते ऐसे तथागत। और ये कब पता चलेगा, जब उसके पास प्रज्ञा होगी तो उसको पता चलेगा कि इसी कारण से संस्कार बने हैं। तो जब ये संस्कार बनते हैं तो ये क्या दुख पैदा करते हैं, तो उसको संसार से विराग प्राप्त होता है। क्या होता है, विराग, संसार से विराग, उसको लगता है संसार के अंदर ये चीज़ें होती है इसलिए उसको विराग प्राप्त होता है। और यही विशुद्धि का मार्ग है, एक विशुद्धि का मार्ग है कि उसको पता है कि गलत चीज़ करने से संस्कार बनेंगे, और वो गलत संस्कार जो बनेंगे वो दुख पैदा करेंगे, तो दुख पैदा करेंगे तो संसार के अंदर जो गलत चीज़ें जो हैं वो गलत चीज़ों को एडाप्ट नहीं करेगा, अपने इंटर नहीं लेगा, तो उसको दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। तो यही एक विशुद्धि का मार्ग है, अपने आप को शुद्ध करने का मार्ग है। सभ्य धम्मा अनत्तातीत यदा पज्जाय पश्यति, प्रज्ञा से ये देखता है व्यक्ति की सभी जो धम्म है, सभी जो धर्म है ये अनात्म है। धम्म आत्मा नहीं है, लोग धम्म को आत्मा समझ लेते हैं, मेरी आत्मा ये जान रही, मेरा ये है, बोले आत्मा है ही नहीं, धम्म अनात्म है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। सभी धम्म, जितने भी धम्म है वो सब अनात्म है, ये कैसे देखता आदमी, प्रज्ञा से देखता है। तो उसे तब उसे संसार से विराग होता है, तो तब भी उसे संसार से विराग होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। उत्थान कालमी अनुत्थानो युवा बलि आलसीय उपेतो संसक्क मनो कुसितो पज्याय मग अलसो न विंदति। उत्थान काल ही अनुत्थानो, जो उद्योग नहीं करता है, युवा एवं बलि आलसीय उत्पतो, युवा और बलि बलि बलशाली होकर भी जो आलस्य से युक्त है, ससन्न कंप मो कुसितो, जिसका मन व्यर्थ संकल्प से भरा हुआ है, पज्जाय मग्ग आलसो न निंदिति, ऐसा आलसी आदमी प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त करने के लिए क्या डेफिनेशन है, कि एक तो उद्योग वाला होना चाहिए, अगर उद्योग ही नहीं तो नहीं। युवा और बलि होकर जो आलस्य में है, युवा और बलि है, बिलवा जवान है, बलशाली भी है, लेकिन आलस्य से युक्त है, जिसका मन व्यर्थ के संकल्प से, उसका डायरेक्शन ही नहीं जीवन में, मन क्या है, व्यर्थ के संकल्प, कौन से संकल्प, जिसका कोई मतलब नहीं है, बेमतलब के संकल्प लेके वो भाग रहा है इधर से उधर, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई गोल नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा व्यर्थ का इधर उधर भागने वाला जो मन है, ऐसा संकल्प उसने अपने अंदर भर लिए है। और किसके अंदर ऐसे संकल्प रहते, आलसी आदमी, जो आलसी है कुछ नहीं करता, उसके संकल्प इतने ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसके लिए जब काम करने की बात तो काम ही नहीं करता है। वो बोलता है कि मुझे ये करोड़ रुपया चाहिए, उतना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो बेसिक काम करना है, बेसिक काम करना है, वो काम नहीं करता है। तो आलसी होकर व्यर्थ के संकल्प करता है, और व्यर्थ के संकल्प करने के कारण क्या होता है, उद्योग नहीं करता है, उद्योग नहीं करता है तो वो क्या, युवा भी है, बलशाली भी है, लेकिन आलस्य से युक्त है। तो आलस्य से युक्त आदमी प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं करता है। प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त करने के लिए आलस्य से रहित होना पड़ेगा। मतलब आलस्य से रहित होने का मतलब क्या है, कि आपको एक उद्योग वाला होना पड़ेगा, अपने आप को तत्पर रखना पड़ेगा कोई चीज़ करने के लिए, और ऐसा युवा बनना पड़ेगा। युवा मतलब उम्र से रिलेशन नहीं, उसका एनर्जी से रिलेशन है ना। और मन में अच्छे संकल्प लेने पड़ेंगे, व्यर्थ के नहीं, जो डायरेक्शन लिया, जो संकल्प लिया, उसको पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे तब हम प्रज्ञा के मार्ग पर
आगे जाएंगे। वाचा नुरक्खी मनसा सुसवतो कायच अकुशल न कायरा। जो वाणी की रक्षा करता है, जो मन से संयमी है, जो शरीर से पापकर्म नहीं करता, यते तयो कमपथ्य विशुद्धये आराध्यमय मग मिसिप वेदित। जो इन तीनों कर्म इंद्रियों को शुद्ध करता है वही बुद्ध के बतलाए धम्म का सेवन कर सकता है। जो वाणी की रक्षा करता है, वाणी की रक्षा मतलब डिसिप्लिन, जो वाणी में जो बोलना है अर्थ सहित संदर्भ सहित जो जरूरी चीज़ें हैं वही बातें बोलना है, जो जरूरी नहीं है नहीं बोलना है, फालतू का बकवास नहीं करना है, बड़बड़ नहीं करना है, किसी के लिए हिंसा फैलाने वाली बात नहीं बोलना है, किसी का अकल्याण हो ऐसी बात नहीं बोलना है, किसी के घर में झगड़ा लगे ऐसी बात नहीं बोलना है, चुगली निंदा नहीं करना है। मतलब वाणी एक संयमशील हो, उद्देश्यपूर्वक हो, किसी उद्देश्य के लिए बोली गई हो, किसी के अच्छाई के लिए बोली गई हो, तो वाणी एक बहुत बड़ा काम करती है। तो वाणी से कैसा होना चाहिए, एक अनुशासित वाणी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मृदुल होनी चाहिए, मैत्रीवान होनी चाहिए और अच्छी लोगों के कल्याणकारक वाणी होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलने वाला। और जो मन से संयमी है, मन से जो डिसिप्लिन है संयमी है, जो सही तरीके से विचार करता है, जो सही तरीके से विचार करेगा वही सही तरीके से वाणी बोलेगा। और जो सही तरीके से विचार कौन करेगा, जो शरीर से पापकर्म नहीं करेगा, पापकर्म गलत काम नहीं करेगा, तो शरीर से गलत काम नहीं करेगा तो उसका मन भी सही रहेगा, उसका मन सही रहेगा, वाचा सही रहेगा, तीनों की तीनों चीज़ साथ में रहेंगी। तो तीनों चीज़ें, तीनों कर्म इंद्रिय है, शरीर से भी व्यक्ति कर्म करता है, मन से भी कर्म करता है और वाणी से भी कर्म करता है। शरीर से क्या कर्म करता है, चलना है, बोलना है, उठना है, कोई काम करना है तो सारी चीज़ें जो काम करना है, तो वो कोई चीज़ उठा रहा है, किसी को मार रहा है, मार रहा है तो गलत कर्म हो रहे हैं, लेकिन उसको प्यार कर रहा अच्छा कर्म हो गए। किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ कर रहा है तो अच्छे कर्म हो गए, किसी के लिए गलत कर्म कर रहा है शरीर के से तो वो गलत कर्म हो गए। तो शरीर के सही कर्म करना है, मन से सही कर्म करना है, वाणी से सही कर्म करना है, जो तीनों प्रकार के कर्म इंद्रियों को शुद्ध करता है। अब तीनों कर्म इंद्रियों को शुद्ध करता है, सही करता है, तो वो बुद्ध के बतलाए धम्म का सेवन कर सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को धम्म का पाठ पढ़ाने जाते हैं, लेकिन क्या है कि उसके शरीर के कर्म ही सही नहीं है, वाणी के कर्म सही नहीं हो तो बड़बड़ करता, वो सुन ही नहीं रहा है, मन के कर्म सही नहीं है, मन से वो कोई चीज़ ग्रहण ही नहीं कर रहा है, उसका चित्त ही शांत नहीं है, तो चित्त शांत नहीं, मन भी सही विचार नहीं कर रहा है, शरीर से कुछ भी कर रहा है, और हम बोल रहे हैं कि धम्म क्यों नहीं समझ रहा है, धम्म क्यों नहीं समझ रहा है। धम्म समझने के लिए तो बेसिक चीज़ की ज़रूरत है, धम्म समझने के लिए बेसिक चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो बेसिक ही पूरा नहीं कर रहा तो धम्म उसके बाद में आता है, अगर बेस पूरा नहीं है तो धम्म ही नहीं समझ में आएगा। कोई भी चीज़ को जैसे मान के चलिए कि एक बीज है, बीज को उगाना चाहता हूँ, मान के चलो मैं ज्वार का बीज है या गेहूँ का बीज है, तो उसकी बेसिक चीज़ ये है कि उसके लिए वो तो मिट्टी होना चाहिए उस प्रकार की। अगर मैंने पत्थर पे डाल दिया बीज और पत्थर गर्म है और बोलूँगा इसे पौधा निकल जाए, पानी दे रहा हूँ, पौधा निकलेगा क्या, नहीं, उसको उस प्रकार का इन्वायरमेंट जरूरी है। तो धम्म उसी के अंदर से जगेगा जिसके वाणी के मन के और शरीर के कर्म ठीक होंगे, नहीं होंगे तो धम्म ही नहीं समझ में आएगा, वो धम्म को सेवन ही नहीं कर सकता, उनको सेवन करना मतलब जान ही नहीं सकता वो, ये तथागत कह रहे। योगा वे जायति भूरी आयोगा भूरी संकय यत द्वेधा पथ त्वेवा भवाय विभवायच्च यतान विवेश्ये यथा भूरी पवग्यति। योग यानी अभ्यास करने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। योगाय जायति भूरी अयोगाय भरी संगयो। योग न करने से ज्ञान का क्षय होता है, योग यानी अभ्यास नहीं करने से ज्ञान का क्षय होता है। अभ्यास करने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ेगा, पहली चीज। यत द्वेधा पत त्वेवा भवाय विभवाय। उत्पत्ति और विनाश इस दो प्रकार के मार्ग को जानकर तताय तंप विवेशेय यथा भूरी पवद्यति। अपने आप को वैसा रखें जिससे ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो ऐसा अपने आप को रखना है। उत्पत्ति और विनाश इन दो प्रकार के मार्गों को जानकर, एक तो मार्ग में उत्पत्ति है और एक में विनाश है। उत्पत्ति क्या होती है, कुछ अच्छी चीज़ों की उत्पत्ति है, विनाश अच्छी चीज़ों का विनाश है। दो ही चीज़ें होगी, या तो हम अच्छी चीज़ों को संग्रहित करेंगे या अच्छी चीज़ों का विनाश करेंगे। तो उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति विनाश इन दो प्रकार के मार्ग को जानकर अपने आप को ऐसे रखें जिसमें ज्ञान में वृद्धि हो। ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान को कैसे बढ़ाना है,
योग करने के, योग यानी अभ्यास करके ज्ञान को बढ़ाना है। योग नहीं करेंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। और उत्पत्ति और विनाश इन दो प्रकार के मार्ग को जानकर, यह तो द्विधाय तत्वा भवाय विभवाय च, उत्पत्ति और विनाश इस दो प्रकार के मार्ग को जानकर, एक में तो जाने से आदमी का विनाश होगा, एक मार्ग पे जाएगा तो उसकी दुर्गति होगी, और एक मार्ग पे जाने पे उसकी सदगति होगी, उसको कुछ अच्छी चीज़ लाभ होगी। तो जो अच्छी चीज़ लाभ होगी, अच्छी ऐश्वर्यशाली चीज़ लाभ होगी, शांति होगी, सुख होगा, सारी चीज़ें उसको प्राप्त होगी, है ना, तो वो जीवन में विमल पद प्राप्त होगा, अच्छा बनेगा, वो प्रज्ञा वाला बनेगा, उसका चित्त शुद्ध होगा, धन संपत्तिशाली बनेगा, उसके आसपास के रिश्तेदार अच्छे बनेंगे, वो संसार के लिए कुछ अच्छी चीज़ करेगा, तो वो एक अच्छाई का मार्ग हो गया। तो एक हो गया अच्छाई का मार्ग, और एक मार्ग ऐसा है कि उसका शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, गलत काम में कर रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, अपने शरीर में कुछ भी वेश्यागमन कर रहा है, कुछ गलत गलत चीज़ें कर रहा है, तो गलत डायरेक्शन में जा रहा, तो एक विनाश का मार्ग है। तो एक विनाश का मार्ग है, एक अच्छाई का मार्ग है। तो तथागत कह रहे हैं कि आपको उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश इन दोनों चीज़ को जानने के बाद में विनाश की तरफ नहीं जाना, आपको उत्पत्ति की ओर जाना, अच्छी चीज़ों की ओर जाना, तो अच्छे मार्ग में जाना है। तो अपने आप को कैसे रखना है कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो। तो हम अच्छाई के मार्ग कब जाएंगे, जब हमको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, पढ़ लिखना है, ध्यान करना है, कुछ अच्छे लोगों से मार्गदर्शन लेना है, अच्छी सीढ़ी सुनना है, अच्छे योग करना है, अभ्यास करना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, और ज्ञान में वृद्धि होने के कारण हम एक अपने अच्छाई के मार्ग पर जाएंगे। तो हमको ऐसे रखना है अपने आप को कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हमारे ज्ञान में कमी हो, ऐसा नहीं रखना है अपने आप को। हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, और ज्ञान में इतनी वृद्धि हो कि हम उसको बढ़ाते रहे, हर बार बढ़ाते रहे, ऐसा तथागत कह रहे हैं। वन छिंदत्तवा रुख वन तो जायति भय छेतवा वनच्छ वन तथ्य निबना होत भिक्कव। वन को काटो, वृक्ष को मत काटो, भय वन से पैदा होता है। वन छिंदती वा रुख वन तो जायती भय, वन को काटो, वृक्ष को मत काटो, भय वन से उत्पन्न होता है। छेतवा वनच्छ वनथ्यत्य निब्बना होत भिक्कवे। हे भिक्षुओ, वन और झाड़ी को काटकर निब्बान को प्राप्त करो। वन, वन यानी जंगल। तो तथागत ये कह रहे हैं कि आपको वृक्ष का संरक्षण करना है, वृक्ष का संरक्षण करना है, लेकिन वन को काटना है। वन का मतलब क्या, झाड़ियाँ, किस प्रकार की, जो वृक्ष को हानि पहुँचाए। जैसे कि खर, आप हम खेती के अंदर में जब बीज डालते हैं, और बीज डालते हैं तो अच्छे पौधों का हम क्या करते, रक्षण करते, लेकिन अच्छे पौधों को जो विनाश करने वाले पौधे, उसको उखाड़ के बाहर फेंकते। उसका उद्देश्य है कि उस पौधे को उखाड़ने का क्या उद्देश्य है, उसका उखाड़ने का ये उद्देश्य है कि हमको उस पेड़ की रक्षा करनी है। इसलिए हमको अगर अपने अंदर अच्छे विचारों की रक्षा करनी है, अच्छी, तो बुरे विचारों को बाहर करना पड़ेगा। बुरे विचारों को ऊर्जा नहीं देनी होगी, अच्छे विचारों को ऊर्जा देनी होगी। अच्छा हमारा दृष्टिकोण रखना होगा, सम्यक दृष्टि रखनी होगी, सही दृष्टि रखनी होगी। तो तथागत क्या कह रहे, वन को काटो, वृक्ष को मत काटो, भय वन से पैदा होता है। भय जो डर होता है वो वन से पैदा होता है। क्यों पैदा होता है, क्योंकि रास्ता ही नहीं दिखता। वन है, जंगल है, काटिले है, कहाँ जाए, किधर जाए पता नहीं, तो आदमी वहाँ लटका है, तो डर पैदा। ऐसे क्या होगा, अकुशल विचार है, अकुशल विचार उसे अंधेरा, चित्त के अंदर अंधेरा पैदा होगा, सही गलत का पता नहीं चलेगा, तो वो डर जाएगा, आदमी डर जाएगा। तो क्या है, गलत से या वन से क्या होता है, भय पैदा होता है, भय वन से पैदा होता है। हे भिक्षुओ, वन और झाड़ी को काटकर निर्वाण को प्राप्त करो। वन और झाड़ी, तो वन है जो जंगल है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, निरुद्देश्य पौधे है और झाड़ियाँ हैं, उसको काटो, गलत विचारों को ख़त्म करो अंदर से, गलत अपने आचरण को ख़त्म करो, गलत आचरण को ख़त्म करके निब्बान को प्राप्त करो, ऐसे तथागत कह रहे हैं। या वही वन तो न छिद्यति अनुमत्तोनी अनुमत्तोपि नरस नारीसु पटिबद्ध मनो तु ताव सो वच्छो खीरपक्को व मात्री। जब तक स्त्री में पुरुष की अनुमात्र भी कामना बनी रहती है, यावनी वनतो छिद्यति अनुत्तो अनुमत्तो निरस नारीसु, नारी के अंदर में, नारी के प्रति व्यक्ति की अनुमात्र भी कामना बनी रहती, कामवासना के प्रति अनुमात्र भी कामना बनी रहती है, तब तक वो ऐसे ही बंधा है जैसे दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माँ से। तब तक वो कामवासना से तब तक बंधा ही है कि जैसे एक बछड़ा
दूध पीने वाला जो बछड़ा होता है, जो गाय का गौ का बछड़ा होता है, वो दूध पीने वाला बछड़ा बंधा होता है, क्योंकि उसको दूध पीना रहता है, क्योंकि जीना है, तो वो वैसे ही बंधा है व्यक्ति, ऐसे तथागत कह रहे हैं। उच्छिंद छिनेह मत्तो कुमुद शारीरिक पानी ना संति मग्ग वे मेव ब्रह्म निब्बान सुगतेन देशित। जिस तरह हाथ से शरद ऋतु के कुमुद को तोड़ा जाता है, उसी प्रकार अपने दिल से स्नेह को उच्छित कर दे। स्नेह गलत प्रकार का जो स्नेह है, गलत प्रकार का जो प्यार है, उसको अपने इससे अलग कर दे और सुगत द्वारा उपदिष्ट शांति मार्ग निब्बान का अनुसरण करे। शांति मार्ग जो निब्बान की तरफ जाने वाला मार्ग है, अगर बंधे रहोगे तो निब्बान के मार्ग की तरफ नहीं जाओगे। इसलिए तथागत क्या करते थे, शरीर के अनित्यता पे ध्यान करवाते थे, अनित्य शरीर, शरीर के अलग अलग पार्टों पे ध्यान करवाते थे, हड्डियों पे ध्यान करवाते थे, शरीर के दुर्गति पे ध्यान करवाते थे कि ये मरने वाला है, एक एक पार्ट पे ध्यान करते थे, पार्ट पे ध्यान करते, इसके नश्वरता को ध्यान करते थे, उसको बुढ़ावा देखा देखते थे। तो देखते देखते क्या हो जाता था कि शरीर के प्रति जो अनुरक्ति थी, जो आसक्ति थी, वो आदमी की छूट जाती थी। और जैसे ही शरीर के प्रति आसक्ति छूट जाती है, वैसे ही आपको निब्बान की एरिया के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि कोई चीज़ है कि जो आपको बांध के रख रही है, बांध के रख रही तो निब्बान की एरिया के पास ही आपको नहीं फटकने दे रही, लेकिन उससे तादात्म्य जैसे ही छूटता आपका, चाहे कितने ही समय के लिए छूटे, हो सकता है 10 मिनट के लिए छूटे, 15 मिनट के लिए छूटे, 5 मिनट के लिए छूटे, उतने समय के लिए छूटे, तो उतने समय के लिए तो आपको निब्बान के दर्शन हो गए। तो तथागत वो दर्शन कराना चाह रहे हैं, दर्शन करा के ही तो आप उस एरिया को जानोगे, तभी तो जाओगे। अगर आपको उसका स्वाद ही नहीं मिला तो आप इधर काम वासना के अंदर ऐसे घूमते रहोगे क्या, आपको लगेगा बस इसी में स्वर्ग है, इसी में स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग तो किधर है, स्वर्ग है नहीं, स्वर्ग तो और कहीं है, लेकिन गलत स्वर्ग में भटक रहे हो, गलत उपवा में भटक रहे हो। इसीलिए अभी आप देखते होंगे कि एक कोई साधु है, प्रवचन करने वाले हैं, खूब संपत्ति अर्न कर लेते, लोगों को खूब इधर डांस करेंगे, उधर ही करेंगे, उधर ही करेंगे, लेकिन काम वासना से ऐसे बंधे रहते हैं कि कई संत अभी वो काम वासना के चक्कर में कारागृह के अंदर में चले गए। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल ज्ञानी नहीं है, वो निब्बान पथ के गामी नहीं है, निब्बान की एरिया को उन्होंने जाना नहीं है, केवल काम वासना वाली एरिया की ही व्याख्या कर रहे हैं, वही के वही घूम रहे हैं। कई लोग काम के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, उसकी ऐसी ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, वही के वही घूम रहे हैं, और सामान्य जनसमूह को वो चीज़ अच्छी लगती है, तो सामान्य जनसमूह उनके पीछे है, वो भी बोल रहा है बहुत बढ़िया महाराज है, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे, बहुत बढ़िया, लाखों ध्यान दे रहे, करोड़ों ध्यान दे रहे, अरबों की संपत्ति है, सरकार ध्यान दे रही, खूब ट्रस्ट बना रहे खूब, लेकिन कर क्या रहे, वहीं पे बछड़े जैसे बंधे हैं, गाय जैसे बछड़ा बंधा है, वैसे काम रति से बंधे हुए हैं, और काम रति से बंधे होने के कारण निब्बान वाली एरिया का उनको पता ही नहीं है, वो पता न होने के कारण वो सदगति का लाभ दूसरों को नहीं दिलवा पा रहे हैं। इसके कारण समाज के अंदर में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है कि कामवासना की प्रशस्ति होने के कारण बलात्कार बढ़ रहे हैं, गलत तरीके से उपभोग बढ़ रहे हैं, गलत चीज़ें के डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। तो जिस चीज़ की व्यक्ति प्रशंसा करता है उधर ही तो लोग अभी बैठ के चार लोग क्या करते हैं, रात में शराब की पार्टी करते हैं, शराब की पार्टी होकर काम की बातें होती है, ये लड़की ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, कोई ज्ञान की बातें नहीं, बोलते हमने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, शराब की पार्टी की हमने, रात में बातें की, बोले हो गया हमारा काम। ऐसे भी बहुत सारा समूह है, ऐसे भी लोग हैं कि जो भगवान के नाम पे वो वाली वासना, ये इतनी लीला है और वो लीला है और ये और वो, ऐसी बातें करेंगे, लेकिन एक्चुअल बात को वो भूल जाएंगे, वो बछड़े जैसे बंधे रहेंगे और काम के चक्कर लगाते रहेंगे, और चक्कर लगाने के कारण उससे मुक्त नहीं होंगे, शरीर की अनित्यता को पता नहीं चलेगा और निब्बान का एरिया से वो दूर हो जाएंगे। तो उनका जीवन में आना और जाना ये चालू है रात दिन के जैसा, वो भवसागर के अंदर ही घूम रहे, चक्कर लगा रहे इस भव के अंदर में। कैसे चक्कर लगा रहे, जब बछड़ा चक्कर लगाता है वैसे ही उस जन्म बंधन और मरण के बंधन में वो चक्कर लगा रहे, जन्म ले रहे, मर रहे, फिर बूढ़े हो रहे, फिर जन्म ले रहे, मर रहे, बूढ़े हो रहे, जन्म रहे, इसी चक्कर में कोलू के बल जैसे घूम रहे, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो तथागत क्या कह रहे हैं कि उसको उच्छिन्न कर दे, सुगत द्वारा उपदिष्ट मार्ग निब्बान का अनुसरण करे। मार्ग कौन सा, जो निब्बान की तरफ ले जाने वाला मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, उसको अनुसरण करे और उधर चले, ऐसा तथागत कह रहे हैं। इथ वस्सो वासी सामी इथ हेमंत गी मिंसु इथ बालो विचिंतेती अंतरायन बुज्जती। यहाँ वर्षावास करूँगा, या हेमंत में रहूँगा, या ग्रीष्म ऋतु में, मूर्ख इस प्रकार सोचता है, वो खतरे को नहीं देखता,
खतरा क्या है? शरीर का अगर जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी। मृत्यु एक खतरा है, क्योंकि शरीर एक वाहन है, वाहन है आपको सदगति पे ले जाने के लिए, लेकिन आप भूल चुके हो शरीर वाहन है। आप ये मान रहे हो कि शरीर परमानेंट है, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 95 साल के हो गए, लेकिन शरीर की आसक्ति ही नहीं गई, अभी पता ही नहीं चला कि शरीर मरने वाला है। कई अगर मृत्यु में जाते जाते किसी को देखते हो, स्मशान भूमि पे भी जाते हो, तो समझते हैं कि वो हमारा पड़ोसी, हमारा जानकार आदमी, वही मरता है, हम तो नहीं मरने वाले। सामने वो चीज़ें देख भी रहे हो, लेकिन देख के भी अज्ञान बन रहे हो, वहाँ पे भी खड़े होकर आप दूसरी बातें कर रहे हो, लेकिन ये जानकार नहीं ग्रहण कर रहे हो कि हमको ये शरीर है तो हमको ये शरीर किस लिए मिला है, क्या चीज़ अर्निंग करने के लिए मिला, क्या चोरी करने के लिए मिला, डाका डालने के लिए मिला, गलत कर्म करने के लिए मिला, किसी की चुगली करने के लिए मिला, द्वेष करने के लिए मिला, या किसी की हत्या करने के लिए मिला, इसके लिए तो नहीं मिला शरीर ना। शरीर सदगति प्राप्त करने के लिए और नाभिक के रूप में, लेकिन गलत काम करने में लगे हो और गलत काम धर्म के नाम पर कर रहे हो, जय जयकार करके कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो तथागत ये कह रहे हैं कि यहां वर्षा वास करूंगा, यहां वर्षा में वास करूंगा, वहां हेमंत में रहूंगा, हेमंत वाला जो ऋतु आएगा वहां रहूंगा, वहां घूमूंगा, वहां जाऊंगा, इस हिल्स पे जाऊंगा, ग्रीष्म ऋतु में वहां, ग्रीष्म ऋतु है तो वहां जाऊंगा। मूर्ख आदमी इस प्रकार सोचता है, खतरे को नहीं देखता। अभी कुछ कुछ लोगों के पास पैसा आता है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपया खर्चे कर रहे हैं अपने ऊपर, इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, इधर घूम रहे, उनको लगा बहुत मजा मार रहे, जनता का पैसा है। कई नेता ऐसा कर रहे, अरबों रुपया ये कर रहे, बर्बाद कर रहे, लेकिन अच्छे काम के लिए बोले तो पैसे नहीं है, लोगों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, कई निगम मंडल बंद हो रहे, क्यों बंद हो रहे, पैसे नहीं है, लेकिन मजा मारने में जुटे हुए। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ रहूँगा, शरद ऋतु में यहाँ रहूँगा, ये ऋतु में उधर रहूँगा, उधर रहूँगा, लेकिन आने वाले खतरे को नहीं देख रहे कि उनकी उम्र अभी 70 हो गई, 75 हो गई, अभी 10 साल में ख़त्म होने वाले, जाने वाले हो, शरीर जाने वाला है, तो फिर किधर रही। तो तथागत क्या कह रहे आगे, वो विघ्न को नहीं देखता। तत पशु सम्मत व्यासत मनसतन सुतगाम मोहघेव मच्छु अदाय गच्छति। पुत्र और पशु में आसक्त मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती है जैसे सोए हुए गांव को नदी की बाढ़। अब उस वक्त क्या धन संपत्ति, पशु होती थी, जिसके पास जितने पशु होते थे वो एक धन संपत्ति मानी जाती थी, और जिसके पास बच्चे ज़्यादा होते थे वो भी एक धन संपत्ति थी। दोनों प्रकार के चीज़ों को धन संपत्ति माना जाता, आज भी माना जाता है, और लेकिन उस प्रकार धन संपत्ति में आसक्त चित्त आसक्त है, उसको उससे ज्यादा कुछ सूझ ही नहीं रहा, उससे ज्यादा कुछ सूझ ही नहीं रहा। कभी कभी कोई लाइन लिख के भेजते, मेरा परिवार ही मेरा संसार है। अरे मेरा परिवार ही मेरा संसार है तो तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं हो, मेरा परिवार मेरा संसार है, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं। तो तथागत ये कह रहे, पुत्र और पशु में आसक्त मनुष्य को मृत्यु वैसे ही ले जाती जैसे सोए हुए गांव को नदी, सोए हुए गांव को। रात हो गई, रात होने के बाद पहाड़ी पे पानी गिरा, वो पानी इतना गिरा नीचे लेवल पे जो गांव था लोग सोए थे, और सोए थे, बाढ़ आ गई, और बाढ़ आ गई, इनको पता ही नहीं चला कि बाढ़ ने उनके घर सहित उनको ले गया, घर सहित उनको ले गया। क्यों? वो सोए थे, जागृत नहीं थे। अगर जागते रहते थोड़ा सा पानी बढ़ता तो उनको लगता पानी बढ़ रहा है, यहाँ से निकलना चाहिए सुरक्षित स्थान के ऊपर, क्योंकि जागे हुए रहते। तो जो आसक्त हो गया होता, जितना चित्त आसक्त हुआ होता, तो वो जागा हुआ नहीं रहता, वो सो गया। सो गया मतलब बेहोश हो गया। जो बेहोश हो गया तो जो आसक्त व्यक्ति है वो बेहोश हो जाता है, और उस बेहोश व्यक्ति को मार है कैसा ले जाता, मृत्यु कैसी ले जाती है, जैसे सोए हुए गांव को, सोए हुए गांव को जैसे मृत्यु ले जाती है, वैसे आसक्त व्यक्ति को मृत्यु मार ले जाता है, मृत्यु ले जाती है। ससंति पुत्ता तानायन पित्ता नापी बांधवा अंतकेनाधीनपन्नस्स नत्ति त्रापितु तानता। न पुत्र रक्षा कर सकते, न पिता, न रिश्तेदार। जब मृत्यु पकड़ती है तो रिश्तेदार नहीं बचा सकते। अब मैं जब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे फादर जो है
वो हाथ देके बुला रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उनका ये जो वाला एरिया था ये धड़क रहा था, और जब शरीर देखा तो शरीर ऐसे 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 मुंडी करके उन्होंने, मैंने देखा कि उनकी आंखें घूम गई। अब मैं रक्षण करने के लिए जा रहा था, उनको पकड़ा, लेकिन मैं क्या रक्षण कर सका? नहीं, मैं तो बेटा था लेकिन रक्षण तो नहीं कर सका, फादर चले गए। तो मृत्यु जब पकड़ती है तो फादर बेटा बचा सकता क्या? नहीं। तो न पुत्र रक्षा कर सकते, न पिता, न रिश्तेदार। मृत्यु कैसे होती? कोई रक्षा नहीं कर सकता। जब मृत्यु पकड़ती है तो रिश्तेदार नहीं बचा सकते। यत्त मत्त वस्स त्यवदा पंडितो सील सवंतु निबान गमन गम खिपमेय विशोदय। इस बात को जानकर सिलवान पंडित जन को चाहिए कि निब्बान की ओर जाने वाले मार्ग को शीघ्र साफ करें। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको उस मार्ग के ऊपर आना है, उस अष्टांग मार्ग पर आना, ये पहला काम है। तो सब ये चीज़ को हम जान रहे हैं कि हमारा शरीर अनित्य है, सारी चीज़ें अनित्य है, पुत्र अनित्य है, संपत्ति अनित्य है, सारी चीज़ें जब अनित्य है, इसका नित्य नहीं है, तो हमको तैरने वाला जो मार्ग है, इस भवसागर को पार ले जाने वाला मार्ग है, जो दुख मुक्ति का जो मार्ग है, उसके ऊपर आना चाहिए। और उसको आने के लिए हमको मन के, वाचा के और शरीर के कर्मों को शुद्ध करके धम्म के बताए मार्ग को ग्रहण करना चाहिए। और उस मार्ग पर आकर हमको शीघ्र साफ करके, मतलब उस मार्ग पर आकर हमको उस एरिया में एंटर करना चाहिए, ताकि हमारी दुख से मुक्ति हो। यहाँ पे तथागत का बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। कई लोग आएंगे कि आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग का टिकट ऐसे रखता है कि उनके बाप ने काट के रखा है, उनके बाप के पास में एयरलाइंस है और वो स्वर्ग का टिकट काट रहे हैं, ये लो 2000 रुपये और स्वर्ग में जाओ। आज ऐसे ही हो रहे, कई सारे साधु के रूप में असाधु लोग मार्केट में घूम रहे, उनकी दुकानें खूब चल रही है और वो टिकट देते हैं लोगों को, ये दान दो, ये ऐसा करो, इतने रुपए दान दो, इस दिशा में सो जाओ, वैसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, ऐसी दुकानें चला रहे और स्वर्ग का टिकट कटवा रहे। आजकल तो लोग ट्रेन में टिकट कटवा रहे कि चारों धाम की यात्रा करो, इस धाम को करो, इस नदी में नहाओ, इसमें ये करो। लेकिन सदगति का मार्ग बताने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि सदगति का मार्ग जो बताएगा उसको निष्पक्ष ढंग से बताना पड़ेगा। वो कोई लाभ के लिए नहीं बताएगा, वो तो इसलिए बताएगा कि वो कल्याणकारी मित्र है आपका, वो चाहता है कि आप अच्छे ही पे आओ, अच्छी चीज़ बताएगा। तो तथागत आपके कल्याणकारी मित्र है, आपके लिए बुरा नहीं चाह रहे, वो तो तर गए, उन्होंने तो वो प्राप्त कर लिया, उन्होंने तो अपने दुख को दूर कर लिया, वो तो वैज्ञानिक है, तो उन्होंने वो चीज़ को प्राप्त कर लिया। वो चीज़ आपको प्राप्त करने के लिए बोल रहे हैं कि आप भी वो प्राप्त करो। और वो अष्टांग मार्ग के शोध करता है, दुख रूपी खत्म करने वाला, दुख को खत्म करने वाले इसके वो वैज्ञानिक है, ज्ञानी है, और एक जानकार व्यक्ति आपके कल्याण मित्र है। तो धम्म, उन्होंने जो धम्म दिया है वो धम्म आपके लिए एक ऐसा काम करेगा कि इस भवसागर से पार जाने के लिए, आपको दुख से मुक्त करने के लिए, आपको अच्छाई पे लाने के लिए काम करेगा। आपकी सदगति हो, आपकी अच्छाई हो, आपके घर में सब आनंदित रहे, आपके धन पुत्र सहित आप सुरक्षित रहे, आपका सब कल्याण हो और आपका आनंद मंगल हो, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी दुखों से मुक्त हो, आप निबान क्रिया को प्राप्त हो। यही कह के मैं इस अध्याय को, जो कि मग्गवग्गो है, इसको समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। अभी हमने मग्गवग्गो पर चर्चा की है, इसी प्रकार के अन्य अध्याय को जानने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।